हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक आरएसआई की, यानी कि स्टॉक आरएसआई आप कैसे यूज कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पर, बहुत से लोगों ने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, बट उन्होंने कुछ मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रखी है। तो बेसिकली जो वीडियो है इसके अंदर आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे हम लोग, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई स्टॉक आरएसआई में ये फॉर्मूला होता है, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये है कि आप इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम वही देखेंगे। आपके सामने ये चार्ट है, निफ्टी का है और क्रूड ऑयल का है और बैंक निफ्टी, तीनों का है। तो तीनों को समझेंगे, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते कि कैसे क्या होता है स्टॉक आरएसआई, तो बहुत सिंपल है। आपका जो भी हो, ट्रेडिंग व्यू हो, कुछ भी हो, आप इंडिकेटर में जाइएगा, वहाँ पे आप स्टॉक आरएसआई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। कोई भी आपको सेटिंग में चेंज नहीं करना है, ध्यान रखें जो सेटिंग है बेस्ट है। ओके, बाकी बहुत से लोग बताते हैं कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, वो आपकी श्रद्धा है, करना चाहते हैं कर लीजिए, अदरवाइज ये इससे काम चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग कि किस टाइम फ्रेम पर हमें इसको देखना है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, मतलब कि आप एक दो दिन होल्ड कर सकते हैं, लंबा खेलते हैं, तो आप स्टॉक आरएसआई को देखें 15 मिनट का या फिर 30 मिनट में जाएं। ओके, और अगर आप इंटरडे करते हैं तो आप 5 मिनट में आप जा सकते हैं, 5 या 10 मिनट के अंदर, 3 मिनट में भी लोग यूज करते हैं। और अगर आप और बिल्कुल स्कैल्पर हैं तो उस टाइम आप 1 या 2 मिनट या 3 मिनट में यूज कर लीजिए, 5 मिनट का भी आपको रेफरेंस ले सकते हैं इंटरडे। ओके, चलिए ये हो गया आपका ये कि कैसे आपको यूज करना है। अब ये स्टॉक आरएसआई का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल से दो लाइन दिख रही हैं आपको, ग्रीन सॉरी आपका ब्लू और ये रेड। कुछ खास इसमें आपको करना नहीं है, आपको याद रखना है कि इसमें एक लाइन है आपकी ब्लू। जब ये किसी को काटती है, जैसे रेड को काटती है, नीचे से काटा ऊपर जा रही है, तो मतलब ये मार्केट को प्रेजेंट कर रही है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, अब आते हैं इसमें, देखो लेवल क्या है आपका। इसमें लेवल आपके होते हैं 80 का लेवल होता है, 20 का लेवल होता है, बीच में मिडिल हो गया 50 का, और मार्केट की जो लाइन आती है मैक्सिमम टू जाती है 0 पर और ऊपर जाती है 100 पर। ओके, अगर मार्केट ये मिडिल में है, मतलब 50% से नीचे क्रॉस ओवर देता है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये नीचे दिया है, इसने ब्लू लाइन ने रेड को काट दिया, तो मतलब मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है। देखो दिखा देते हैं आपको, ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गया है। ओके, ये इस तरीके से काम करता है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या है कि ये 480 420, तो मैं इसको बेसिकली 360 40, तो इसको हम थोड़ा 20 के रेशियो में ले लेते हैं, 50 75। ओके, और ये 5 मिनट का चार्ट है, तो मैं इसको पहले है ना, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखें आप लोग कि आपका जो स्टॉक आरएसआई है वो एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होती है। तो देखो बेसिकली अगर देखी जाए तो जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा, यानी कि 15 होगा या फिर 10 होगा, उसमें आपकी स्टॉक आरएसआई की एक्यूरेसी होती है। इसके अलावा स्टॉक आरएसआई के साथ आपको एक इंडिकेटर और यूज करना है, वीवैप। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको वीवैप की, तो आप जाएंगे तो वीवैप आप यहाँ पे सर्च करना, वीवैप आपको इसको भी एज इट इज यूज करना है, कोई भी इसमें चेंज नहीं करना है। मैंने वॉल्यूम भी लगा रखा है, तो बट कोई नीड नहीं है। अब हम करते हैं कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो देखो सबसे पहले हम निफ्टी NSE, और आज तारीख है 24। आज मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन रहा, मतलब कंटिन्यूसली सेलिंग रही है मार्केट में। तो देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी आपको, जैसे मान लीजिए ये मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पर, मार्केट ओपन हुआ है, अब यहाँ पे ये 50% नीचे इसने क्रॉस ओवर दिया, तो मार्केट यहाँ से गिरा, फिर ये वापस ऊपर आया हल्का सा, है ना। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि सुबह मॉर्निंग टाइम में स्टॉक आरएसआई पे थोड़ा कम भरोसा करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट के हिसाब से वो मूव थोड़ा अलग तरीके से करे, तो उस टाइम थोड़ा आपको ध्यान से काम करना है। उसके बाद थोड़ा मार्केट सेटल हो जाए 9:30 या फिर 10 o'clock के बाद, उस टाइम वो ठीक ठाक आपको काम देता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वीवैप की लाइन है, इसके नीचे क्या है कि ये स्टॉक आरएसआई ने दिया है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वीवैप के नीचे चल रहा है मार्केट, तो वो सेलिंग में जा रहा है, मतलब आपको उस टाइम सेल करना है, मतलब आपको उस टाइम पुट ऑप्शन खरीदना है। ओके, अगर मार्केट वीवैप के ऊपर है तो मतलब बाय करना है, यानी कि आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
ज़्यादा लालच नहीं करना है आपको, बहुत बेसिकली अपना प्रॉफिट बुक करना, निकल जाना है, ज़्यादा लालच करोगे फंस जाओगे। सो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ये वीवर के नीचे है, यहाँ पर ये इसने क्रॉस ओवर दिया। अब ऐसा नहीं कि आप इसी पे एंट्री कर जाएं, कई बार क्या है कि वो रिवर्स कर जाता है, तो आप कंफर्मेशन ट्राई करें कि ये आपकी कैंडल कंप्लीट हो गई, यहाँ से ये कैंडल के नीचे ओपन हुई है, तब जाके आप यहाँ पर सेल करें, ओके, यानी कि पुट बाय कर लें आप यहाँ पर। तो अब ये मार्केट यहाँ से आया, ये बी वेब से इतनी दूर आ गया ना, ये बी वेब से इतनी दूर आ गया, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दें, यानी कि यहाँ से पोजीशन से निकल जाए, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अब कई वालों के लोग सोचते हैं कि यार यहाँ से इसने क्रॉस ओवर दे दिया है, अभी ऊपर जाएगा। हमेशा याद रखो कि बी वेब के अगर ऊपर है तो ही बाय करें, अदरवाइज नहीं करें। नहीं करना मतलब नहीं करना, अब ये ध्यान रख लेना, नहीं तो लॉस खा जाओगे, मार्केट घूम जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा साथ में, ठीक है। अब ये यहाँ से देखिए, आपने यहाँ से किया, ये ऊपर गया थोड़ा सा, ऊपर नहीं आता गया, फिर वापस ही ले गया नीचे, क्यों? बीएफ के नीचे है। और यही नहीं दिखा रहे हम लोग, आगे भी दिखाएंगे और भी, मतलब और भी जगह दिखाएंगे। अब मार्केट फिर से नीचे आया, आपने फिर से, हो सकता है यहाँ पे आप सेल कर दें, बट ये यहाँ से फिर से ले गया, तो आपको अब ये देखिए, अब ये मार्केट डाउन ही डाउन जा रहा है ना, ये है। तो ये तो हो गया 24, आज की बात हो गई, ये तो है ना 23 तारीख की नाइट में वीडियो बना रहे हैं। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि देखिए, अब यहाँ पर ये 50% से ऊपर इसने क्रॉसओवर दिया है, मतलब देखो क्या है कि अगर 50% से ऊपर है तो मतलब मार्केट क्रॉस करेगा। इसके ऊपर भी अगर मार्केट क्रॉस करता है तो ये और ऊपर जाएगा, मतलब सिंपल सी बात समझो, है ना। इसको अगर हम 5 मिनट चार्ट में देखते हैं तो देखिए, यहाँ से इसने क्रॉस ओवर दिया, तो कई बार आप लोग क्रॉस ओवर में यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे, बट ऐसा ना करें जब तक कि आपका जो ये है बीवीएफ को क्रॉस नहीं करता। ये काफ़ी, देखो बीवीएफ से काफ़ी दूर है, हमें नियर करना है यहाँ पर, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये इस तरीके से हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको दूसरी टाइम फ्रेम पे देख लो। इसको हम 1 मिनट रुक जाओ, हम इसको थोड़ा, इसको लाइन बना देते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि हमें ध्यान रहे, ओके, ये लाइन है आपकी। तो अब हम 15 मिनट देखते हैं, हमारी लाइन कहाँ गई? ये लाइन है हमारी, राइट, ये लाइन है। ये लाइन है। अब देखिए यहाँ पर बी वेब के ऊपर गई है, तो आपको है ना यहीं से करना है, ज़्यादा आपको लालच नहीं करना कि अब मैं यहाँ से कर लेता, हो सकता था कर लेते हैं आप, लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट रिवर्स कर जाता है, ओके, तो स्टॉक ऐसे भी यहीं से घूम जाता है, तो उस चीज़ में फंस जाते हैं हम लोग, है ना। तो इसके आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में दे सकते हैं इसको, ये देखो यहाँ पे देखो अलग ही दिख रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बट यहाँ से ही ऊपर जा रहा है। तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विश्वास कर लेना है कि भाई यहाँ से यही होगा, ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग है ये, तो आपको थोड़ा इस पे फोकसली काम करना है। तो आपको चार्ट देखते रहना है। अब जैसे यहाँ से ही ऊपर गया तो ये बीबीएफ के ऊपर है, और चूंकि देखिए ओवरसोल्ड पोजिशन में है, तो ये यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। आ जाओ और इधर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये तो 100 पॉइंट का हो गया, ओके। यहाँ पर देखिए, ये आपके वो मॉर्निंग में ही है और यहाँ से बीवे के ऊपर है, तो ये यहाँ तक गया है, ठीक है। और इसने वहाँ से क्रॉसओवर दिया, तो आपको यहाँ से निकल जाओ बस, यहाँ से किया इतना किया, अगर यहाँ पे सकते हो जितना तो ये पॉइंट, मतलब अभी आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट लेना है, लॉस नहीं करना है। फिर यहाँ से लिया, अब यहाँ पे नहीं एंट्री करना, फिर ये वापस आया, देखो यहाँ पे समझो इसने क्या, फिर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाई, डोजी बनाई इसने, फिर वापस नीचे आया, फिर ये इस तरीके से, तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स कमजोर हो गए, ओके, फिर सॉरी सेलर, हाँ सेलर कमजोर हो गए, फिर यहाँ पे सेलर ज़्यादा हो गए, फिर यहाँ पे इसी तो यहाँ पे एंट्री मत कीजिए, जब तक कि पूरी तरीके से कन्फर्मेशन ना मिल जाए। आपको लग रहा होगा सर ये तो लाइव मार्केट को ऐसे दिखाई देगा, है ना,
तो वेट करो ना उसकी उसके लिए, एंट्री क्यों करना है अपन को, अपन को रॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे एंट्री आया, अब यहाँ पर इसने दिखा, फिर यहाँ से इसने वापस, तो आपकी यहाँ एंट्री बनती है, मतलब आपकी यहाँ एंट्री बनती है, या फिर इसकी कैंडल की स्टार्टिंग में एंट्री बनती है और इसका आपका स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ तक आप वेट कीजिए, फिर ये नीचे लिया, इसने लिए नीचे लिया, यहाँ पर इसने डोजी बनाई, यहाँ पर ये लिया। अब कई बार लोग यहीं से निकल जाएंगे कि ये ऊपर जाएगा, बट ये अभी इससे दूर है और ये नीचे भी है, तो यहाँ से यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं कि जब वापस रिवर्स करें, तो यहाँ से आप इसको इतना कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ से ये कर सकते हैं। ओके, और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ये आपके बी वेब के ऊपर चल रहा है, यहाँ पर इसने इसको क्रॉस ओवर दिया, अब ये यहाँ तक पहुँचा, तो आपको इसी कैंडल पर एंट्री नहीं करनी है, आपको यहाँ एंट्री करनी है इस वाली पर। ओके, यहाँ पर एंट्री करो, फिर यहाँ से नीचे तक आओ, यहाँ तक वेट करो, तो ये आपको, ये आपका कन्फर्मेशन है। ये नहीं है कि आप यहीं से एंट्री कर जाए, कई बार क्या होता है मार्केट यहीं से घूम जाएगा, फंस जाओगे। ओके, यहाँ तक एंट्री करो और अपना प्रॉफिट बुक कर लो, फिर ऊपर आओ। अब यहाँ से आप कई एंट्री कर सकते हो, बट ये अभी हमारे लिए सही ट्रेड नहीं है क्योंकि वीवेब से काफ़ी दूर है, हम लोग एंट्री हमेशा वीवेब के पास करते हैं। ये देखो, तो ये वीवेब के पास है, अभी देखो यहाँ पर एक फंसने वाला चांस देता हूँ मैं आपको, ये एंट्री का ये ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने दिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और फिर वापस ये नीचे आ गया ना। तो कई लोग यहाँ से फंस जाते हैं कि भाई यहाँ से ये है, और दूसरी चीज़ है कि भाई यहाँ से इसने ऊपर क्रॉस ओवर दे दिया, तो ये चीज़ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगी। ओके, तो इसको थोड़ा आपको इग्नोर करना। और देखिए वैसे भी ये ट्रेड कब का है, 2:15 पर, तो 2:15 पर ट्रेड है ये, तो सुबह मॉर्निंग का ट्रेड, और जो जब जब एंडिंग होती है, एंडिंग के 1 घंटे का, उस टाइम ट्राई करो कि ट्रेड थोड़ा संभल के लो। ओके, यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ से देखिए इसने क्रॉस ऊपर दिया है, तो यहाँ से ऊपर चल रहा है मार्केट। देखिए जब आप यहाँ देख रहे हैं तो इजी है कहना, बट जब मार्केट में होते हैं तो थोड़ा हार्ड होता है, आई नो, बट आपको समझना होगा, आपको चार्ट देखने होंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या करना है। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये है, इसी तरह से क्रूड ऑयल का भी आप देख सकते हैं। क्रूड ऑयल का देखिए टाइम फ्रेम 9 बजे से लेकर इवनिंग 11:30 तक होता है, वीडियो देख लेते हैं, 12 मिनट का हो गया है, तो क्रूड समझाते हैं आपको। तो क्रूड ऑयल को समझने के लिए आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, 30 मिनट का यूज करें या फिर 15:30 और आपका 1 आवर, ये यूज करेंगे बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा क्रूड ऑयल के अंदर। और बीवेब का आपको यूज करना ही करना है, ठीक है, ये मैं इसकी सारी ड्रॉइंग मूव करता हूँ। ओके, आपको बीवेब यूज करना है, ये हमारी लाइन है, ये वाली, ये है बीवेब की लाइन। ओके, आज देखिए मार्केट कितना डाउन गया है, कंटिन्यूअसली डाउन ही है नीचे, तो आपको इसको समझना है कि वीवीआई के पर ही आपको एंट्री करनी है। कई बार क्या होता है कि लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लोग एंट्री कर जाते हैं कि भाई यहाँ पे, बट ये क्या है, इससे दूर है, जब तक ये इसको वीवीआई को क्रॉस ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वीवीआई को क्रॉस कर गया तभी एंट्री करनी है, यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आज कई बार क्या हुआ कि लोग यहाँ पर, हो सकता है कि यहाँ पर एंट्री कर जाए, देखो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं लोग कि यहाँ पे ये बीवे पे नीचे और ये क्रॉस कर जाएगा, बट हुआ क्या, मार्केट और डाउन चला गया, मार्केट और डाउन चला गया, तो कहने का मतलब ये कि बीवे को क्रॉस नहीं कर रहा ना, तो एंट्री मत करो आप। हाँ, यहाँ कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्रॉस दिया और यहाँ पे इसने डोजी बनाई और यहाँ मार्केट ने फिर क्रॉस किया। अब देखो ये तो आज का भी ट्रेड भी नहीं है, ये किस तारीख का है, ये 22 तारीख का है, तो यहाँ पे इसने दिया है, ये देखो पूरी कैंडल भी कट नहीं करा, यहाँ पे फिर वापस नीचे आया, फिर सो यहाँ पर इसने इसको देखो समझो, ये यहाँ से ये ऊपर गया इतना, तो आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन मार्केट आज बहुत ज़्यादा ले गया लोगों का नीचे, डाउन डाउन जाते हुए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बीवैप और आपको स्टॉक आईएसआई का यूज करके मार्केट को समझना है और प्रॉफिट में ही अर्न करना है, हमें लॉस नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे ही आप रॉन्ग ट्रेड में आए उसे काटिए और फ्री हो जाइए, और हमेशा वीवैप के पास ही ट्रेड को लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, वीवैप से दूर करेंगे ट्रेड को तो मुसीबत में पड़ सकते हैं, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, और जैसे 1 मिनट 15 मिनट का अगर मैं देखता हूँ तो टाइम फ्रेम, यहाँ से ये ऊपर हुआ, यहाँ से ये ऊपर ले रहे हैं, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी काम करता है, लेकिन क्रूड ऑयल में थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो इसी का आप ध्यान रखें। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली आपको इसका यूज करना है। ओके, सो ये था स्टॉक आरएसआई के ऊपर।
अभी हम नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। और एक बार हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे स्टॉक RSI में 50 से ऊपर, मैं वैसे एक वीडियो बना दूंगा उसके अलग से, 50 से ऊपर अगर क्रॉसओवर दे रहा है तो मार्केट बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है ऊपर जाएगा, और 50 से नीचे अगर वो क्रॉसओवर दे रहा है लाइक दिस, सपोज कीजिए जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे एक फंसने वाली चीज़ होती है, ये 50 से नीचे दिया, लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे नीचे जाएगा, है ना, बट यहाँ से इसने नीचे गया है, ऐसी बात नहीं है नीचे, लेकिन यहाँ से ये ऊपर भी गया, बट यहाँ पे ये दिखा रहा है, लेकिन BWAP के नीचे होने की वजह से ये नीचे नीचे दे रहा है। देखिए ये ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है, बट ठीक है, मार्केट है, मार्केट किसके साथ चलता नहीं है, आप सिर्फ एक्सपीरियंस से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और भी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन सारी चीज़ें बताएंगे उसमें, तो आपको ट्रेडिंग के बारे में समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।